अपन को जब डर लगता है ना तब अपन बहुत मारता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे गणपत मूवी के बारे में और साथ ही साथ लियो मूवी के बारे में ही बताएंगे। आइए बताते हैं कि ये दोनों मूवी आज पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने पैसा कमा चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लियो के साथ गणपत का जबरदस्त कलेक्शन होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी हाँ, दोनों ही फिल्म हिंदी बेल्ट में ऑडियंस के बीच जबरदस्त हाइट क्रिएटर कर रखी है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों ही फिल्मों में पहले दिन की बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन के बारे में और साथ ही साथ इन दोनों ही फिल्मों के एडवांस बुकिंग इंडिया में कब से ओपन होगी। तो वही लियो की एडवांस बुकिंग ओवरसीज में क्या कमाल कर रही है, ये अभियान जानने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म गणपत के बारे में। तो ये फिल्म विकास बहल की डायरेक्शन में लगभग 200 करोड़ रुपए के भारी बजट में बनाई गई है, जिसमें एक बार फिर से टाइगर श्रॉफ का जबरदस्त एक्शन लुक और इंटरेस्ट हमें देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, बताते चले कि ये फिल्म की ये फिर एक साइंस फिक्शन मूवी होने वाली है, जिसे पहली बार टाइगर श्रॉफ जबरदस्त लुक में दिखाई देने वाले। इतना ही नहीं, उसके साथ अमिताभ बच्चन सर और कृति सेनन भी लीड रोल में नजर आने वाले हैं और इन सभी एक्टरों की एक्टिंग और परफॉर्मेंस तो ट्रेलर में जोरदार देखने को मिला है और ट्रेलर के व्यूज भी लगभग 14 मिलियन डॉलर्स यानी लगभग 1,40,00,000 रुपए से भी ज्यादा हालांकि कर चुकी है, जिससे साफ पता चलता है कि ऑडियंस के बीच इस फिल्म ने एक अलग ही लेवल का हाइप बना रखा है। बताते चलें कि इस मूवी का एडवांस बुकिंग कब इंडिया में ओपन होगा, ये जानने के लिए ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि इस फिल्म की कहानी एक अलग ही लेवल की देखने को मिल सकती है, क्योंकि अमिताभ बच्चन सर इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं और टाइगर श्रॉफ का जबरदस्त एक्शन लुक भी देखने को मिलने वाले हैं। और यही वजह है कि इस मूवी का एडवांस बुकिंग कब से ओपन होगा और कब ऑडियंस को इस मूवी का फर्स्ट देखने को मिलेगा, ये भी वाकई में एक अलग हाइप क्रिएटर कर रखा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म की एडवांस बुकिंग के ओपन होने का कोई भी अब तक न्यूज सामने नहीं आया है। जी हाँ, ऑडियंस में तो इस मूवी का एडवांस बुकिंग जो लगभग 15 से 16 अक्टूबर को शुरू किया जा सकता है। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक 15 अक्टूबर के आसपास इस मूवी का एडवांस ओपन कर दिया जाएगा। और अगर बात की जाए इस फिल्म की पहले दिन कितने करोड़ रुपए की ओपन ले सकती है, तो जिस हिसाब से इस फिल्म ने ऑडियंस के बीच माहौल बना रखा है बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल रहा है। जी हाँ, खास करके टाइगर श्रॉफ के फैंस के लिए ये फिल्म बहुत जबरदस्त मानी जा रही है और यह वजह है कि अभी तक की मिली रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म पहले ही दिन ऑल ओवर इंडिया से लगभग 20 करोड़ रुपए से ऑल ओवर इंडिया से यानी हिंदी तमिल और तेलुगु भाषा में ओपनिंग लेने वाली है, जिसमें समझिए तो केवल हिंदी वर्जन का ही ओपन जड़ में लगभग 18 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल सकती है। वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में फिल्म ये पहले दिन ओपनिंग जो है लगभग 30 करोड़ रुपए के आसपास रहने वाली है। वही बात कर लेते हैं थालापति विजय की फिल्म लियो को लेकर, जो इस फिल्म को भी लेकर अराउंड लेवल की हाइप और क्रेज देखने को मिल रही है। जी हाँ, इस फिल्म का डायरेक्शन क्लैश टाइगर श्रॉफ की गणपत के साथ जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि हिंदी बेल्ट में भी इस फिल्म ने अपना ताबड़तोड़ हाइप ऑडियंस के बीच बना रखा है। इस फिल्म के ट्रेलर को हिंदी वर्जन में 15 मिलियन प्लस यानी कि लगभग 15 करोड़ से भी ज्यादा के व्यूज पर मिल चुकी है, जो कि समझे तो गणपत मुकाबले 10 लाख व्यूज हिंदी बेल्ट में ज्यादा देखने को मिला, जिससे साफ पता चलता है कि इस मूवी का भी हिंदी वर्जन में फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बताते चले कि ये फिल्म लोकेशन काना गराज यूनिवर्सिटी में कनेक्ट होने वाली है और फिल्म को भी लोकेशन काना गराज के डायरेक्शन में लगभग 300 करोड़ रुपए के भारी बजट में बनाया गया, जिसमें थालापति विजय के साथ सुपरस्टार संजय दत्त वहीं रश्मिका मंदाना और अर्जुन सरजा लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं और इन सभी एक्टरों की एक्टिंग और परफॉर्मेंस ट्रेलर में जोरदार देखने को मिला है। खास करके अपने ट्रेलर में देखा ही होगा कि थालापति विजय का डबल रोल हमें देखने को मिलने वाला है और वाकई में उसकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस तो लाजवाब देखने को मिलता ही है। इसके अलावा संजय दत्त सर के भी एक्टिंग और परफॉर्मेंस ट्रेलर में तो जोरदार देखने को मिला। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि थिएटर में कैसा रिस्पांस मिलता है ऑडियंस की तरफ से और हिंदी बेल्ट में ये फिल्म कितना जबरदस्त कलेक्शन करेगा। वैसे अगर बात की जाए फिल्म की पहले दिन की बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन को लेकर,
तो जिस हिसाब से इस फिल्म के ऑडियंस के बीच माहौल बना रखा है, ये फिल्म पहले ही दिन ऑल ओवर इंडिया से लगभग 75 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ओपनिंग हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नाडा आप आशाओं से लेने वाली है, जिसमें केवल हिंदी वर्जन की है ओपनिंग जो लगभग 15 करोड़ रुपए के आसपास हमें देखने को मिल सकती है। जी हाँ, 15 करोड़ रुपए के आसपास इस मूवी के हिंदी वेल्ट में ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है, जो कि समझे तो गणपत को ये फिल्म कमाई के मामले में कड़ी टक्कर देने वाली है। बॉक्स ऑफिस पर और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में बता दें कि ये फिल्म ताबड़तोड़ कलेक्शन करने वाली है, क्योंकि ओवरसीज अब तक की फिल्म ने केवल एडवांस के जरिए ही लगभग 30 करोड़ रुपए के आसपास एडवांस कलेक्शन कर चुकी है। जी हां, 30 करोड़ रुपए के आसपास लेवल एडवांस कर चुकी है, जबकि समझिए तो फिल्म के रिलीज होने में अभी 7 दिन बाकी है, जिससे समझिए तो फिल्म की ओवरसीज की ओपनिंग जो है लगभग हमें 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की ही देखने को मिल सकती है, और फिल्म इंडिया में तो 75 करोड़ रुपए के मतलब समझिए तो फिल्म की पहले दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है लगभग हमें 140 से 145 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल सकती है। वैसे आप इन दोनों फिल्मों में कौन सी फिल्म को देखना पसंद करेंगे, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।